हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो में हम PNB MetLife के बचत योजना प्लान की डिटेल को समझेंगे। ये प्लान नॉन लिंक्ड है, मतलब आप जो प्रीमियम पे करेंगे कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी, पार्टिसिपेटिंग है। इसका मतलब कंपनी समय समय पे अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार आपके साथ बोनस शेयर करेगी। और ये प्लान इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक एंडोवमेंट पॉलिसी है। लेकिन ये प्लान आप कह सकते हैं कि जिनकी इनकम लो होती है लेकिन एक सर्टन अमाउंट तक वो पे कर सकते हैं, उनके लिए ये है। एंट्री एज लिमिट 20 साल से लेकर के 60 साल की है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसके अंदर आपको 10 साल का मिलता है और पॉलिसी टर्म है 15 साल का। ये फिक्स्ड है, ठीक है जी। मोड ऑफ प्रीमियम इसमें जो आपको देखने के लिए मिलता है प्लान में, वो है ईयरली और हाफ ईयरली, और उसके साथ में है मंथली। मंथली जो होगा वो आपके सेविंग अकाउंट या आपके सैलरी अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड पर ही होगा, आइदर नहीं। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना 6,000 रुपए, अगर आप छमाही ऑप्शन चूज करेंगे तो 10,000 रुपए, और मासिक में 15,000 रुपए का लिमिट है। मैक्सिमम प्रीमियम पर लाइफ आप 33,999 रुपए तक ही पे कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड है यहाँ पे आपका एनुअलाइज प्रीमियम, और सम इंश्योर्ड का जो फैक्टर होगा उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट या तो बेसिक सम इंश्योर्ड या फिर जो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ है, इन दोनों में से जो हाई होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट के रूप में क्लेम में मिलेगा। अब सम अशोर्ड तो हमें पता है कि जो हम सम अशोर्ड सेलेक्ट करेंगे पॉलिसी लेते वक्त वो होता है। अब सम अशोर्ड ऑन डेथ क्या होगा, आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना या फिर जितना जो प्रीमियम पे किया गया होगा टोटल, राइट, जिसको बोलते हैं हम टोटल सम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का 105%, ठीक है, जो टिल द डेट ऑफ डेथ तक। इसमें से जो हाई होगा वो सम अशोर्ड ऑन डेथ होगा। अब जानते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट को। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, आपका बेसिक सम अशॉर्ट, उसके साथ में सिंपल रिवर्सनरी बोनस, उसके साथ में टर्मिनल बोनस। अब ये जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है, जब पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से ये मिलना शुरू होगा, ठीक है जी। और जो टर्मिनल बोनस है ये आपको जब आपकी पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होंगे तब आपकी जो पॉलिसी है वो टर्मिनल बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगी। अभी जो दोनों ही बोनस हैं ये नॉन फिक्स रहते हैं क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और टर्मिनल बोनस आपको पता ही है डेथ के टाइम पे या मैच्योरिटी के टाइम पे 1 टाइम ही पे होता है, और दोनों ही बोनस की जो कैलकुलेशन है इस प्लान के अंदर वो सम अशोर्ड पे की जा रही है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की उम्र 34 साल की है, तो जो सम अशोर्ड फैक्टर है जिसे ये कह रहे हैं सम अशोर्ड मल्टीप्लायर, वो है 11.81। 34 साल की एज है, सालाना 20,000 रुपए का प्रीमियम हो गया, प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 10 साल का है, पॉलिसी टर्म हो गया 15 साल का। तो हमने क्या करा यहाँ पे, 20 में हमने गुणा कर दिया 11.81 का, तो 236,200 बेसिक सम अशोर्ड हो गया। सिंपल रिवर्सनरी बोनस रेट जो यहाँ पे दिया हुआ है, SRB का मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, ठीक है, उसका रेट दिया हुआ है पॉलिसी में ऑलरेडी 2.10 का, राइट। तो उसका कैलकुलेशन कर लोगे तो 64,000 से ऊपर का ये अमाउंट आपका टोटल आ जाएगा। अब टर्मिनल बोनस रेट, हमने जो बोनस रेट का जो टेबल इनका चेक किया उसमें हमें टर्मिनल बोनस नहीं मिला, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 5% होगा क्योंकि 1 टाइम ही मिलेगा मेच्योरिटी पे ही। तो 236,200 का 5% आप निकालेंगे तो 11,810 ये हो जाएगा। अब मेच्योरिटी बेनिफिट में सम अशोर्ड और सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस इन सबको ऐड कर दिया जाएगा तो 3,12,492.60 रुपये हो जाएगा। टोटल हम प्रीमियम कितना पे करने 10 साल में 20,000 रुपये के हिसाब से 2,00,000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सटन जो सेक्शन है उनके लिए ही ये प्लान है, सबके लिए नहीं है, राइट। फ्री लुकअप पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है अगर आप डायरेक्टली कंपनी से बाय करते हैं पॉलिसी को, इनडायरेक्टली आप इंटरनेट सोर्सेज को यूज करेंगे तो 30 दिन का यहाँ पे फ्री लुकअप पीरियड है। ग्रेस पीरियड मंथली मोड के साथ में मिलता है 15 दिन का, ईयरली और हाफ ईयरली मोड के साथ आपको मिलता है 30 दिन का ग्रेस पीरियड। रिवाइवल पीरियड इसमें आपको 5 साल का मिल जाता है, और इसी के साथ में आपका जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगा, जितना अमाउंट आपने पे किया उसका 90% तक आप लोन ले सकते हैं। और प्लान में आपको पेड अप पॉलिसी का भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो एक बात आपको समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, हमें सुझाव दिया ये वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए